नमस्कार, टीएनबी में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, द नेशनल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शद। 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष का आगाज होने जा रहा है, लेकिन इस नए वित्त वर्ष में आम आदमी को महंगाई की मार पड़ने वाली है, क्योंकि रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीजों के दामों में वृद्धि होने जा रही है। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो 1 अप्रैल से महंगी हो जाएंगी। वाहन होने जा रहे महंगे। अगर आप वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो इनकी कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि अब हर तरह के वाहन महंगे होने जा रहे हैं। मारुति सुजुकी समेत तमाम ऑटो कंपनियों ने 1 अप्रैल 2021 से कार और बाइकों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कीमतों में इजाफे के पिछले लागत बढ़ने का हवाला दिया गया है। मारुति सुजुकी के अलावा निसान और रेनो की कारें भी 1 अप्रैल से महंगी हो जाएंगी। वहीं हीरो ने 2-व्हीलर के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही किसानों को भी झटका लगने वाला है, क्योंकि ट्रैक्टर के दाम भी बढ़ रहे हैं। टीवी हो जाएंगे महंगे। अगर आप टीवी की खरीदारी करने जा रहे हैं तो टीवी के दामों में भी बढ़ोतरी होने जा रही है। अगर आप टीवी खरीदने की सोच रहे हैं तो अपने बजट के अनुसार ही सोचें। 1 अप्रैल 2021 से टीवी के दाम बढ़ जाएंगे। पिछले कुछ महीनों से लगातार टीवी के दाम बढ़ रहे हैं। 1 अप्रैल 2021 से टेलीविजन के दाम 2,000 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक बढ़ाने की संभावना है। चीन से आयात के मोर्चे पर बैन के बाद टीवी की कीमतों में उछाल आया है। मोबाइल फोन हो जाएंगे महंगे। आजकल हर कोई मोबाइल का शौकीन है। नया फोन लॉन्च होने पर सभी मोबाइल नया लेने की सोचते हैं, लेकिन अब मोबाइल भी महंगे होने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से मोबाइल भी महंगे हो जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया था, जिसमें मोबाइल पोर्ट्स, मोबाइल चार्जर, एडाप्टर, बैटरी और हेडफोन वगैरह शामिल है। इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी के बाद प्रीमियम रेंज स्मार्टफोन सबसे ज्यादा महंगे हो जाएंगे। एसी की कीमत में बढ़ोतरी संभव। गर्मी के आते ही ज्यादातर लोग एसी खरीदने की सोचते हैं, लेकिन इस बार एसी के दाम में भी बढ़ोतरी होने जा रही है, यानी आपको गर्मी से दो चार होना पड़ सकता है। इस गर्मी में एसी और रेफ्रिजरेटर खरीदारों को झटका लगने वाला है। नए वित्त वर्ष से एसी और रेफ्रिजरेटर के दाम बढ़ने वाले हैं। कंपनियों ने कच्चे माल के दाम में बढ़ोतरी का हवाला दिया है। एयर कंडीशनर के दाम 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक बढ़ सकते हैं। पिछले महीने ग्लोबल मार्केट में ओपन सेल पैनल के दाम में 35% का इजाफा हुआ है। हवाई सफर हो जाएगा महंगा। लॉकडाउन के बाद सभी चीजें धीरे धीरे पटरी पर लौट रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लॉकडाउन और कोरोना के समय में हवाई यात्रा प्रभावित हुई है, लेकिन अब हवाई सफर भी महंगा होने जा रहा है। नागर विमानन महानिदेशालय 1 अप्रैल से एयर सिक्योरिटी फीस में बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिससे हवाई सफर महंगा हो जाएगा। डोमेस्टिक फ्लाइट्स में किराया कम से कम 5% बढ़ जाएगा। घरेलू यात्रा करने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस के नाम पर 200 रुपए और विदेशी यात्रियों को $12 देने होंगे। इंश्योरेंस प्रीमियर में बढ़ोतरी संभव। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए वित्त वर्ष 2021-22 में टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम में 10-15% की बढ़ोतरी होने की आशंका है। बीमा कंपनियां 1 अप्रैल से टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम महंगा करने की तैयारी कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नए वित्त वर्ष 2021-22 में टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम में 10-15% की बढ़ोतरी हो सकती है। असल में कोरोना संकट के दौरान कंपनियों की बीमा लागत और खर्च काफी बढ़ गई है। टर्म पॉलिसी में पूरी तरह से जोखिम कवर ही होता है, इसमें कोई मैच्योरिटी राशि नहीं मिलती है। यूपी में शराब हो जाएगी महंगी। वहीं शराब के शौकीनों को भी महंगाई की मार पड़ने वाली है, क्योंकि यूपी में शराब की कीमतों में बढ़ोतरी होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में शराब की कीमतों में 1 अप्रैल 2021 से बढ़ोतरी होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से नया आबकारी सेशन शुरू होगा, जिसके तहत अब नए दाम पर शराब बिकेंगे। खबरों के मुताबिक राज्य में 1 अप्रैल से देसी और विदेशी शराब महंगी हो जाएगी। राज्य सरकार ने दूसरे देश से आने वाली यानी इम्पोर्टेड शराब, स्कॉच वाइन और वोडका की परमिट फीस बढ़ा दी है। वहीं 1 अप्रैल से यूपी में बियर सस्ती होने जा रही है। स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत। स्टील बनाने वाली कंपनियां भी इस महंगाई के दौर में पीछे नहीं है, क्योंकि स्टील से बनी चीजों के दामों में बढ़ोतरी होने जा रही है। स्टील बनाने वाली कंपनियां कीमतों में बढ़ोतरी की तैयारी में हैं। JSW स्टील, JSPL, MNS और टाटा स्टील हॉट रोल्ड क्वाइल यानी HRC के दाम में 4,000 रुपए टन की बढ़ोतरी हो सकती है। घरेलू मार्केट में कच्चे माल में तेज बढ़ोतरी और उड़ीसा में उत्पादन में आई गिरावट की वजह से स्टील के दाम में तेजी आ रही है। इससे पहले दिसंबर 2020 में स्टील के दाम 2,500 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी हुई थी।
फिलहाल 1 अप्रैल से इन सभी चीज़ों पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। अगर आप भी इन सभी चीज़ों की खरीदारी करने वाले हैं तो सबसे पहले आप अपना बजट चेक कर लें। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.thenationalbulletin.in।